प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के YouTube चैनल पर। देखिए, हम ज्योग्राफी से संबंधित बात कर रहे हैं और ज्योग्राफी से संबंधित हम लास्ट कक्षा में चर्चा की थी एसिकमो जनजाति के बारे में और उसके संपूर्ण विशेषताओं को हमने अच्छे से पढ़ा था। निवास क्षेत्र के बारे में देखा था, आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में देखा था, उसके बाद में समाज और संस्कृति के बारे में देखा था, वातावरण संयोजन के बारे में देखा था और आधुनिक संस्कृति से उनका जो संपर्क है वो संपर्क किस प्रकार से हैं उसके बारे में भी देखा था। तो एक जनजाति हमने कर ली थी, अब दूसरी जनजाति की बात है। दूसरी जनजाति के बारे में बुशमैन, चार प्रमुख जनजातियों के बारे में हमें डिस्कस करनी है जिसके अंतर्गत हमने एसिकमो कर ली है। अब आती है बुशमैन जनजाति। देखिए, बुशमैन जनजाति हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें, जैसे 20,000 वर्षों की लगभग हम बात करें, तो ये जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास कर रही है। अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल, ये कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पर विगत कुछ वर्षों से यहीं निवास कर रही है। इनकी जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या लगभग 10,000 के आसपास है बुशमैन लोगों की जनसंख्या। समूह की बात करें, देखिए ये लोग समूहों में रहते हैं और समूहों के अंतर्गत कितने व्यक्ति होते हैं, मैक्सिमम की बात करें 20 या इससे भी कम हो सकते हैं, 20 या 20 से कम एक समूह के रूप में ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। अब प्रमुख इनका जो कार्य है वो क्या है, ये लोग खेटक व खाद्य संग्रहण, अखेटक व खाद्य संग्रहण से तात्पर्य है कि ये लोग शिकार करते हैं, अखेट करते हैं, और खाद्य संग्रहण का तात्पर्य है कि ये लोग जो जड़ी बूटियां होती हैं, पेड़ पौधों से जो फल होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, संग्रहित करते हैं। और भोजन संग्रहण और अखेटक इनका क्या है, मुख्य कार्य है। अब हम इनकी शारीरिक विशेषता के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से एसिकमो के बारे में देखा था शारीरिक विशेषताएं क्या क्या थी, उसी प्रकार अगर हम देखें कि ये किस प्रकार दिखते हैं, कद की बात करते हैं तो ये क्या है, नाट्य कद के होते हैं, मतलब छोटे कद के होते हैं बुशमैन लोग। लेकिन इनके जबड़े की बात करें, इनके चेहरे की बात करें तो वो क्या है, वो चौड़े पाए जाते हैं। जबड़े और चेहरे की बात करेंगे तो वो चौड़ा प्रतीत होगा आपको। आँखों की बात करेंगे तो आंखें क्या होगी, आंखें भी इनकी चौड़ी मिलेगी। आंखें कैसी मिलेगी, चौड़ी मिलेगी। जिस प्रकार से एसिकमो की बात की थी कि उनकी आंखें गहरी थी, कथई थी, लेकिन इनकी आंखें क्या हैं, चौड़ी हैं। अब ये कौन सी प्रजाति के, देखिए जनजाति और प्रजाति, ये हम जनजाति पढ़ रहे हैं और एक होती है प्रजाति। ये सिर्फ जैविक समूह को प्रतीत करती हैं और ये करती है साथ साथ में जैविक के साथ साथ सामाजिक व सांस्कृतिक भी। शरीर के जैसे आँख, नाक, जीभ, जैसे बाल, त्वचा, इनके आधार पर हम किसी व्यक्ति का वर्गीकरण करते हैं, वो तो हो गया प्रजाति के रूप में। मतलब शारीरिक आधार पर हम नाक के द्वारा, आँख के द्वारा, सिर के द्वारा, बाल के द्वारा,
हम ये कहते हैं कि ये इन इन व्यक्तियों का जो सिर है, सिर की लंबाई क्या होगी, इतने सेंटीमीटर होगी, आंखें कैसी हो गई, कथई रंग की हो गई, पीली हो गई, भूरी हो गई, तो इस प्रकार से हम जो विभाजित करते हैं वो होती है प्रजातियाँ। लेकिन जनजातीय क्या होती है, जनजाति के अंतर्गत सामाजिक व सांस्कृतिक समूह होता है। तो प्रजाति विश्व में प्रमुखतः तीन पाई जाती है, हमने पहले भी बात की थी, काकेसाइड्स, मंगोलाइड्स और निग्रोइड्स, और इसी के अंतर्गत है निग्रिटो। अब देखिए मंगोलाइड की बात करेंगे तो इस ये प्रजाति और इस प्रजाति के अंतर्गत कौन सी जनजाति की बात की, एसिकमो। एसिकमो किस प्रजाति की जनजाति है, मंगोलाइड्स की। और निग्रिटो की बात करें, निग्रोइड्स की बात करें तो इस प्रजाति के अंतर्गत कौन सी जनजाति है, बुशमैन। तो बुशमैन लोग किस प्रजाति के लोग हैं, निग्रिटो प्रजाति के लोग हैं या निग्रोइड्स प्रजाति के लोग हैं। ये हो गया इसके बारे में सामान्य जानकारी। अब देखेंगे हम इसके निवास क्षेत्र के बारे में, देखेंगे कि इनका निवास क्षेत्र कहाँ पर है, कालाहारी मरुस्थल में है, किस क्षेत्र में है, कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य हैं और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए बुशमैन का जो निवास स्थान है वो निवास स्थान किस गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। अब देखिए विश्व की बात करें अब 0 डिग्री से ऊपर की ओर बात करेंगे नॉर्थन हेमिस्फेयर कहा जाता है, दक्षिण की बात करेंगे साउथर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, ये 23.5 डिग्री है, इसको बोला जाता है मकर रेखा और ये होती है कर्क रेखा। अब हम बात करेंगे नीचे, जब भी बात करेंगे क्या लिखेंगे, साउथ एस, ऊपर जब भी बात करेंगे क्या लिखेंगे, एन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एस, दक्षिणी अक्षांश की बात चल रही। तो 18 डिग्री से ये देखिए डिग्री से 24 डिग्री इनके मध्य निवास करती है कौन सी जनजाति, बुशमैन। अब देखिए इनके मध्य तो ये बहुत सारा पर्टिकुलर एरिया हो गया, लेकिन फिक्स तो नहीं है, फिक्स भी है, क्या होता है 15 डिग्री पूर्वी दिशांतर से 30 डिग्री पूर्वी दिशांतर तक इनका विस्तार पाया जाता। अब देखिए एक रेखा मैंने ये खींच दी 0 डिग्री, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। अब ये साइड क्या हो गई, ये साइड हो गई वेस्ट पश्चिम, और ये साइड क्या हो गई, ईस्ट पूर्व, ठीक है। अब ये ई लिखा हुआ है मतलब ईस्ट में, इस क्षेत्र में तो है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये बुशमैन का नहीं है, इस क्षेत्र की बात चल रही है। अब इस क्षेत्र में देखिए टोटल कितनी होती है देशांतर, 360 होती है। अब 0 से 1, 2, 3 इस प्रकार से किया मैंने, यह आ गई आपकी 15 डिग्री की रेखा, और आगे आ गई आपकी इस प्रकार से 30 डिग्री की रेखा। तो मानकर चलिए अब देखिए बुशमैन का जो निवास क्षेत्र है वो क्या आ गया, ये जो क्षेत्र है इस प्रकार से बुशमैन का निवास क्षेत्र है कि 15 डिग्री पूर्वी दिशांतर से 30 डिग्री पूर्वी दिशांतर है, 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य किसका क्षेत्र पाया जाता है, बुशमैन लोगों का पाया जाता है। और ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पशु जनित भोजन
पाया जाता है। मतलब यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं वो क्या होते हैं? मांसाहारी लोग होते हैं। क्या होते हैं? मांसाहारी लोग होते हैं। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस क्षेत्र की बात की है, इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? देखिए नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पर है दक्षिणी अफ्रीका, एक तो होता है अफ्रीका महाद्वीप, एक है दक्षिणी अफ्रीका। तो अफ्रीका तो क्या हो गया? महाद्वीप, और उसका एक छोटा सा पार्ट है दक्षिण में, उसको बोलते हैं दक्षिणी अफ्रीका। ये क्या है? एक देश है। क्या है? देश है। अब उसके बाद में बात करते हैं, यहां पर है नामीबिया, यहां पर है अंगोला, और ये बोत्सवाना। तो ये चार प्रमुख क्षेत्र हैं। दक्षिणी अफ्रीका की बात करते हैं, बोत्सवाना की बात करते हैं, नामीबिया की बात करते हैं, अंगोला के बात करते हैं। तो ये कालाहारी मरुस्थल के कुछ देशों के नाम हैं। इन देशों में प्रमुखतः किस जनजाति के लोग रहते हैं? बुशमेन जनजाति के लोग रहते हैं। अब देखिए ये जो कालाहारी मरुस्थल है, इस मरुस्थल का जो धरातल है वो धरातल कैसा मिलेगा आपको? ऊबड़ खाबड़ मिलेगा, प्लेन एरिया नहीं है, ऊबड़ खाबड़े धरातल है। ऊबड़ खाबड़ धरातल पाया जाता है। जलवायु की बात करें कि जलवायु कैसी है, तो जलवायु कैसी पाई जाती है यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल में? अर्ध उष्ण कटिबंधीय, अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब देखिए जलवायु आपने लास्ट 11th क्लास में देखा होगा जलवायु से संबंधित, कि एक होता है उष्ण कटिबंध, एक होता है शीतोष्ण कटिबंध, और एक होता है शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध की जब भी बात करते हैं तो ये एरिया आता है, याद रखना, 0 से 23.5 के मध्य का एरिया क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। इससे आगे जाएंगे क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अर्ध उष्ण कटिबंध का मतलब उष्ण नहीं है, आधा उष्ण है। आधा उष्ण है तो हम इस क्षेत्र की तो बात कर ही नहीं सकते 23.5 की। इससे ऊपर या इससे इसके बिल्कुल समीप का अगर क्षेत्र होगा तो ये देखिए 23.5 डिग्री तक ये क्षेत्र, इसकी तो बात ही नहीं कर सकते। 23.5 से थोड़ा सा आगे या इसके पास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? अर्ध उष्ण कटिबंध। तो इसके पास का क्षेत्र क्या है? 18 डिग्री से 24 डिग्री। 23.5 से आगे का क्षेत्र आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये इस किस प्रकार की जलवायु होगी यहाँ पर? अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब देखिए यहाँ के जो ऋतुओं की बात करेंगे, तो ऋतुओं की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तापमान और वर्षा। यहाँ का जो तापमान क्या पाया जाता है? उच्च पाया जाता है। यहाँ पर तापमान क्या पाया जाता है? उच्च पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो वर्ष के किसी विशेष समय में सीधी पड़ती हैं, और 23.5 डिग्री के क्षेत्रों में क्या होता है? सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, 0 पर नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर हमेशा प्रतिदिन वर्षा होती है, और जब वर्षा होगी प्रतिदिन तो तापमान क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रतिदिन वर्षा नहीं होती है, ये सीजनल होती है, यहाँ पर ऋतु के अनुसार होती है। इसलिए यहाँ पर इसकी अपेक्षा यहाँ करक व मकर के क्षेत्रों में तापमान क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। इसलिए लिखा है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत तापमान क्या पाया जाता है? उच्च पाया जाता है। वर्षा की बात करेंगे, लगभग 25 सेंटीमीटर या इससे भी कम यहाँ पर वर्षा होती है। वर्षा की बात करेंगे तो ऋतु की बात करेंगे तो तापमान उच्च है, तापमान उच्च है तो ऋतु ग्रीष्म ऋतु क्या होगी? लंबी होगी। ग्रीष्म ऋतु क्या होगी? लंबी होगी, क्योंकि तापमान क्या रहता है? उच्च रहता है। और क्षेत्र कैसा है? 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र है, कर्क के समीप का क्षेत्र है। ठीक है, और शीत ऋतु की बात करेंगे वो एक लघु अवधि के रूप में होगी। यहाँ पर जो रातें होती है वो रातें क्या होगी? अत्यधिक ठंडी होती है।
रात के समय तापमान क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ये है यहाँ काला हरी मरुस्थल की जो जलवायु संबंधी विशेषता हैं वो बताई हैं यहाँ पर। और इस निवास क्षेत्र की बात करेंगे तो इस निवास क्षेत्र में ऐसी कोई वनस्पति की बात करें, जलवायु देख ली, धरातल देख लिया, तापमान देख लिया, वर्षा देख लिया, ऋतुएं देख ली, वनस्पति की बात करेंगे कि भी वनस्पति किस प्रकार से पाई जाती है, तो वनस्पति यहाँ पर कंटीली झाड़ियों के रूप में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने देखा वर्षा का जो स्तर है वो कितना है, 25 ही सेंटीमीटर है। अगर 150 या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का क्षेत्र होता तो वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ के प्राणियों की बात करें तो बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं, और ये लोग क्या होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। अखेट में देखा होगा आपने, अखेट और भोजन संग्रहण भी, कंदमूल फल फूल भी खाते हैं और पशुओं का शिकार भी करते हैं, तो शाकाहारी भी और मांसाहारी भी हैं। और यहाँ के प्राणी जात की बात करें तो बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं खरगोश की, जैसे हम बात करते हैं जिराफ की, जैसे हम बात करते हैं शुतुरमुर्ग की, जैसे हम बात करते हैं स्टेनबाक की। स्टेनबाक एक प्रकार का हिरण जैसा जानवर होता है, स्टेनबाक ये भी यहीं पर निवास करता है। इसके बाद में कुछ और भी पाए जाते हैं, जैसे लकड़बग्घा पाया जाता है, बड़े कोदू पाए जाते हैं, बड़े कोदू ये क्या होते हैं, प्राणी जात है। आपने देखा होगा नील गाय, देखिए नील गाय जिसको हम ये कहते हैं रोज कहते हैं, सेम उसी प्रकार का क्या होता है, बड़ा कोदू होता है, सेम नील गाय जैसा होता है। तो ये कुछ प्राणी जात यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है, काला हरी मरुस्थल में एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। कौन सा उद्यान, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा जा सकता है एटोसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, कालाहारी मरुस्थल में स्थित है, जहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती हैं, बुस्मेन जनजाति निवास करती हैं, बुस्मेन जनजाति निवास करती है। अब देखिए इसके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में बात करेंगे, आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। ये हो गया इसके निवास क्षेत्र के बारे में, आगे डिस्कस करेंगे अब आर्थिक क्रियाकलाप। और आर्थिक क्रियाकलाप में वही चीज़ें हैं जैसे हमने बात की थी एसिकमो जनजाति के बारे में, कि भी किस प्रकार से आखेट करते हैं, इनके वस्त्र क्या हैं, इनके मकान क्या हैं, और इनके यंत्र व उपकरण क्या क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इनके आर्थिक क्रियाकलाप में आती हैं। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे अखेट की। अखेट का मतलब शिकार से है। देखिए बुस्मेन लोग क्या है, अखेटक हैं, शिकार करते हैं, और शिकार किससे करते हैं, भाले से करते हैं, तीर कमान से करते हैं, ऐसे हथियारों से करते हैं जो प्राचीन हथियार के रूप में जाने जाते हैं। और बुस्मेन जब शिकार करते हैं तो शिकार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बड़ा अगर कोई शिकार आ गया, बड़ा जानवर आ गया, तो उसको फंदे में फंसाकर करते हैं, जैसे जाल बिछाते हैं, इनके कीचड़ में गिराकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर, विषाक्त जल पिलाकर, ये तरीके हैं। किसके तरीके हैं, अखेट करने के तरीके। क्या करते हैं, एक क्षेत्र बनाते हैं
वहाँ पर दलदली क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं, कीचड़ बनाते हैं और क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्र से प्राणियों को वहाँ से भगाकर क्या करते हैं, जैसे ही वो उस क्षेत्र में आते हैं या उसमें पानी दिखता है उनको, वो पीने के लिए उसके अंतर्गत जाते हैं तो वो उस कीचड़ में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। फंसने के कारण क्या होगा, आसानी से शिकार कर लेते हैं। अगर ऐसा तरीका नहीं है तो कुछ जाल वगैरह बिछाते हैं तो वो जाल में फंस जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो गड्ढे खोदते हैं बड़े बड़े और उनको ऊपर से चादर के द्वारा या किसी टहनियों के द्वारा ढक देते हैं और जैसे ही जानवर उस पर चलता है वो गड्ढे में गिर जाता है, बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन आ नहीं पाता है और उसका उसके अंतर्गत शिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से शिकार करते हैं। और क्या होता है, ये जो समूह में रहते हैं तो प्रत्येक परिवार क्या करेगा, प्रत्येक परिवार स्वयं का भोजन उपयोग में लेगा। कहने का तात्पर्य है, अगर परिवार के सदस्य चार या पांच हैं और पूरे समूह का जो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या है वो 20 हैं, तो ये नहीं कि दो व्यक्ति चले गए 20 व्यक्तियों का भोजन लेकर आ गए, नहीं, एक परिवार स्वयं अपना भोजन इकट्ठा करेगा और प्राणियों का शिकार करेगा। और ये लोग क्या होते हैं कि जानवरों की जो भाषाएं होती हैं, बोलियां होती हैं, उनको बोलने में क्या होते हैं, बिल्कुल निपुण होते हैं, ये जानवरों की भाषाएं भी बोलते हैं। अब इनके भोजन संबंधी बात करें, अखेट हो गया, भोजन संबंधी बात करें तो देखिए बुशमैन जो लोग हैं वो क्या हैं, सर्वभक्षी हैं। सर्वभक्षी का मतलब ये होता है कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है, मांसाहारी भी हैं शाकाहारी भी हैं, दोनों चीज़ें हैं बुशमैन जनजाति के लोगों में। और ये कम नहीं खाते, अभी बड़े दबा के खाते हैं, बहुत खाते हैं ये लोग। क्या करते हैं, आधी भेड़ एक व्यक्ति खा जाता है बैठे बैठे, आधी भेड़ खा जाती है। भेड़ की बात करेंगे तो आधी भेड़ एक व्यक्ति खा जाता है, और भी पशु खाते हैं लेकिन इनके प्रिय भोजन की बात करेंगे, इनके प्रिय भोजन के अंतर्गत क्या आता है, दीमक, चींटियां, अंडे, ये इनके क्या हैं, प्रिय भोजन है। बुशमैन लोगों का प्रिय भोजन क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, दीमक, चींटियां और इनके अंडे जो होते हैं वो इनके प्रमुख भोजन के रूप में हैं। अब देखिए ये भोजन क्या करेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तो यहाँ क्या होते हैं, ताज़ा व बासी जो भोजन होता है वो दोनों इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अगर उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो वहाँ पर भोजन अधिक समय तक सही तरीके से संरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि वो शीघ्र ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर कोई प्रदेश ठंडा होता है तो हम भोजन को अधिक समय तक संरक्षित कर सकते हैं, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसलिए ये भोजन को उसी समय निपटा लेते हैं। और उसी समय निपटाने के बाद में अगले जो भविष्य की बात करें तो भविष्य के लिए ऐसा कोई नहीं है कि भी भोजन को संरक्षित कर लेंगे, नया ही शिकार करते हैं और नए ही भोजन का स्वरूप ये प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बुशमैन लोग अपने भोजन का उपयोग करते हैं। इसके बाद में वस्त्र की बात करेंगे, इसके बाद में मकान की बात करेंगे, तो हम उसके बारे में नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे, क्या चीज़ हैं, क्या वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार के इनके घर होती हैं, सामाजिक वातावरण कैसा है, समायोजन कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।